विंडोज 11 23 H2 आए हुए एक से दो हफ्ता बीत चुका है एंड आप में से कई सारों ने उसे इंस्टॉल करके यूज भी कर लिया होगा। मुझे इस अपडेट से कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि मैं इस आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको भी अगर सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि आपका प्रॉब्लम कैसा था एंड आपको क्या लगता है क्यों वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा। चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। विंडोज 11 23 H2 में फीचर्स का भंडारा लाया गया है माइक्रोसॉफ्ट की द्वारा। 150 प्लस न्यू फीचर्स को ऐड किया गया है एंड उसमें से जो सबसे हाईलाइटेड फीचर है वो है माइक्रोसॉफ्ट कोपाइलट। माइक्रोसॉफ्ट कोपाइलट बेसिकली चैट जीपीटी का ही एक स्मॉलर वर्जन है जो कि विंडोज के साथ इंटीग्रेट करके बनाया गया है एंड आपका एक असिस्टेंट के रूप में वो काम करेगा। लेकिन फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट कोपाइलट प्रीव्यू स्टेज पर है, फुल फ्लेज्ड रिलीज अभी नहीं हुआ है। उसके साथ फाइल एक्सप्लोरर का इंटरफेस को दोबारा चेंज किया गया एंड सबसे बड़ा एक अपडेट जो आया है जो कि विनरार का बिजनेस को ख़त्म कर सकता है वो है नेटिव रार 7-Zip एंड जो जीप का सपोर्ट पहले से ही था लेकिन अब आप विंडोज में रार फाइल को भी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इजीली विदाउट एनी एक्सटर्नल ऐप। ये फीचर एक क्रूशियल फीचर है एंड इससे विनरार का जो एक यूजफुलनेस था वो ख़त्म हो जाएगा। टास्क बार में भी एक न्यू चेंज लाया गया है विंडोज 11 में जो देख के मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ क्योंकि वो एक बहुत ही यूजफुल फीचर था जो कि विंडोज 10 में था लेकिन विंडोज 11 में पहले से ही मिसिंग था जो कि था टास्क बार लेवल्स का ऑप्शन। अभी रिसेंट अपडेट में टास्क बार लेवल्स का ऑप्शन फिर से रिस्टोर कर दिया गया है विंडोज 11 में जो कि एक अच्छा अपडेट है। और एक अपडेट जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है एंड जिन लोगों के पास RGB सेटअप से उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, डायनामिक लाइटिंग का फीचर लाया गया है जो कि एक सेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट करेगा आपके RGBs को। अगर आपके पास डिफरेंट कंपनीज का RGB फैंस है या फिर AI है तो उस केस में आपका डायनामिक लाइटिंग फीचर एक कमाल का फीचर होने वाला है। इसके साथ बहुत सारा चीज़ को लाया गया है जैसे कि वॉल्यूम मिक्सर को थोड़ा चेंज किया गया, विंडोज स्पॉटलाइट फीचर को थोड़ा इम्प्रूव किया गया एंड जो स्पीच टू वॉइसेस फीचर था उसको भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा। पेंट में एक काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया विद द एनेबलमेंट ऑफ AI। फोटोज ऐप में भी इम्प्रूवमेंट दिखा, आप अभी फोटोज़ को इजीली एडिट कर सकते हैं विंडोज 11 23 H2 अपडेट के बाद। इजीली आप फोटोज़ को ब्लर कर सकते हैं एंड बहुत कुछ बेसिकली कर सकते हैं विंडोज 11 में नेटिवली, आपको कोई एक्सटर्नल ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट विंडोज 11 में जो एक प्रॉब्लम है एंड जो प्रॉब्लम मैं खुद फेस किया हूँ एक साल में, क्योंकि मैं विंडोज 11 22 H2 के बाद से टिल नाउ विंडोज 11 एज ए रेगुलर ड्राइवर यूज़ करता था लेकिन एज ए एडिटर, एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर एंड एज ए स्टूडेंट ऑल्सो आई फेस्ड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन विंडोज 11। जो प्रॉब्लम है बेसिकली स्टेबिलिटी इशूज़, मुझे क्यों पता नहीं विंडोज 11 में कभी कभी स्टार्टरिंग देखने को मिलता था। मेरा अगर आप PC स्पेक्स जानना चाहते हो तो मैं वो भी एक बार बता देता हूँ क्योंकि मेरा रैम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा रैम 16 GB रैम है, 32 MHz पर है, XMP एनेबल्ड है, सब कुछ एनेबल्ड है। मेरा 8x2 GB करके है, मतलब दो स्टिक से 8 GB का प्रोसेसर है, i5-9400F, थोड़ा पुराना प्रोसेसर है लेकिन इनफ कैपेबल है इस टास्क को हैंडल करने के लिए एंड विंडोज 11 में ये चीज़ हैंडल भी कर लेता था। लेकिन रिसेंटली मुझे कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा था। मेरा ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा पुराना है प्रोसेसर से भी ज़्यादा, RX 470 है, लेकिन उसको मैं बहुत जल्दी अपग्रेड करने वाला हूँ तो दैट इज़ नॉट द इशू। लेकिन विंडोज 11 में जो सीरियस इशूज़ है, विंडोज 11 में गेमिंग में अच्छा FPS मिलता है, मैं उसे खुद एक्सपीरियंस किया हूँ क्योंकि मैं वैलोरेंट खेलता हूँ, CS:GO खेलता हूँ, उसमें मुझे अच्छा FPS दिखा विंडोज 10 से। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी इशूज़, मतलब जैसे ही मैं गेम से डिस्कॉर्ड में स्विच करता हूँ मुझे थोड़ा लैग देखने को मिलता है एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस को वो ख़राब करता है एंड इसलिए मैं अभी फ़िलहाल विंडोज 10 पे स्विच कर लिया हूँ। एंड विंडोज 11 में मुझे एक चीज़ मतलब मुझे फेस करना पड़ रही है प्रॉब्लम क्योंकि मेरे पास एक 60Hz डिस्प्ले है। विंडोज 11 में हमें बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन मिलता है एंड वो थोड़ा मैक की इंस्पिरेशंस, मैक से इंस्पिरेशंस लेने की कोशिश किया था विंडोज़ ने,
लेकिन आपके पास अगर 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है तो आपको उतना अच्छा स्मूथनेस देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ भी लैग लग रहा था। लेकिन मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड मैंने एक कंपटीशन वीडियो भी देखा यूट्यूब में, 165 हर्ट्ज वर्सेस 60 हर्ट्ज में विंडोज़ 11 का जो एक फील है वो थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि विंडोज़ 11 में हमें बहुत सारा एनिमेशन देखने को मिलता है। अगर आपके पास एक अच्छा पीसी है तो विंडोज़ 11 को इजीली हैंडल कर लेगा, लेकिन आपके पास अगर मेरे जैसी एक घटिया डिस्प्ले है तो आपको जो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो ख़राब होगा मेरे जैसे ही। मतलब विंडोज़ 11 ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आई विल प्रेफर विंडोज़ 10 मोर। एंड सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे जो प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स है, प्रोफेशनल एडिटर्स है, वो स्टिल नाउ विंडोज़ 10 पे ही है। आई डोंट नो उनका क्या रीजन है, लेकिन मेरा ये रीजन है कि मुझे उतना स्टेबिलिटी, मुझे उतना स्मूथनेस विंडोज़ 11 से नहीं मिला। एंड मुझे एक प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा, मैं सच बता देता हूँ। मैं जो एडोब प्रीमियर प्रो फोटोशॉप यूज़ करता हूँ वो क्रैक्ड वर्जन है, टू बी वेरी ट्रू आई एम सेइंग दिस, वो क्रैक्ड वर्जन है। एंड विंडोज़ 11 में वो हमेशा डिटेक्ट हो जाता था। मैंने सर्विस में जाके, मैंने रजिस्ट्री में जाके, मैंने फायरवॉल में जाके बहुत कुछ चेंज किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तो मुझे मतलब आई वॉज फोर्स्ड कि मुझे विंडोज़ 10 पे स्विच करना पड़े। लेकिन आई लव विंडोज़ 10, क्योंकि मैं विंडोज़ 10 जब से पीसी यूज़ कर रहा हूँ, आज से 6-7 साल पहले से विंडोज़ 10 यूज़ करता हूँ। आई एम वेरी फेमिलियर विद दिस यूआई, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड विंडोज़ 10 में जो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है, काफ़ी फीचर है, बहुत ही कमाल का फीचर है, जो कि विंडोज़ 11 में स्टिल नाउ उतना अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन ओवरऑल फीचर्स के मामले में एंड बाकी चीज़ों के मामले में विंडोज़ 11 एक अच्छा ऑप्शन है। एंड आई थिंक विंडोज़ 12 इससे भी अच्छा होने वाला है। एंड आपको एक बैड न्यूज़ में दे देता हूँ, ये विंडोज़ 11 का लास्ट अपडेट था। अगर आपको पता है नेक्स्ट साल विंडोज़ 12 आने वाला है, जो कि लीक्स था पहले, लेकिन अभी तो बहुत सच लग रहा है। एंड आपको अगर इस न्यूज़ के बारे में पता है कि विंडोज़ 12 में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ सीनरियो चेंज होने वाला है, एंड फाइनली हम लोग एक प्रॉपर विंडोज़ वर्सेस मैक देखने वाले हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर आपको जानना है तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि बहुत जल्द आएगा। थोड़ा लीक्स में देता हूँ उस वीडियो का। एक्चुअली मैं उस वीडियो में स्नैपड्रैगन का एक प्रोसेसर के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एंड मैं इसलिए बात करूँगा क्योंकि मैंने देखा उस लॉन्च इवेंट में माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO है सत्य नडेला, वो भी प्रेजेंट थे एंड उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है उस लॉन्च इवेंट में। एंड जैसे एप्पल का एक मैक का M1 है, M2 है, M3 है, M3 रिसेंटली लॉन्च हुआ, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है उसके खुद के सिलिकॉन पर, या फिर मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट अभी फिलहाल स्नैपड्रैगन पर भरोसा कर रहा है। एंड स्नैपड्रैगन का जो स्कोर था, टू बी वेरी ट्रू, माय गॉड, वेरी कमाल का स्कोर था, बहुत ही लाजवाब आप कह सकते। बहुत सारे चीज़ होने वाले हैं रिसेंट फ्यूचर्स में, लेकिन आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज है 2K सब्सक्राइबर्स के। एंड आप मेरा इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।